हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं कुछ इस तरह का फ़ोटो एडिट करने वाला हूं हैप्पी दिवाली पर। दोस्तों आप इन तक देखते रहें, कहीं स्किप मत करें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा, आप उस तरह फ़ोटो एडिट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। दोस्तों आपको क्या करना है कि पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट अगर आपके मोबाइल में ना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद यहां पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट ए फोटो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बैकग्राउंड लेना है, कि जैसा कि मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ और लेने के बाद कुछ इस तरह का फ़ोटो मैं एडिट करूँगा। दोस्तों आपको अगर ये बैकग्राउंड चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मैं उस बैकग्राउंड को ले लिया हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं आ गया है। लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सीधा यहाँ ऐड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। ऐड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक लाइट का ऑप्शन, मतलब लाइट का एक बैकग्राउंड है, उसको ले लेना है। दोस्तों मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो बैकग्राउंड का कोई आप चिंता मत करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसको दोस्तों इसको थोड़ा सा फुल साइज़ कर लेना है। फुल साइज़ करने के बाद दोस्तों इसको फ़ोटो के अनुसार इसको सेटिंग इस तरह कर देना है दोस्तों, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। करने के बाद दोस्तों इसको ब्लेंड के ऑप्शन पे आएंगे। ब्लेंड के ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों इसको स्क्रीन मल्टीप्लाई डार्केन लाइटेन आपको जो अच्छा लगे उसी को कीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर स्क्रीन कर लेता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक हैप्पी दिवाली का एक इफ़ेक्ट मिल जाएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ लगा देना है, जैसे कि ये फ़ोटो अच्छा लगे। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना औसम लग रहा है। इसको मतलब सेट करने के बाद आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर से ऐड फ़ोटो पर जाना है। वहाँ से आपको जाने के बाद आपके मतलब मॉडल जो फ़ोटो है जो एडिट करना चाहते हो उस फ़ोटो को आपको ले लेना है। जैसे कि मैं इस फ़ोटो को ले लेता हूँ और दोस्तों उस फ़ोटो को आप बैकग्राउंड रिमूव कर देना है दोस्तों। और बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड कितने आसानी से रिमूव कर सकते हो मात्र एक क्लिक पर दोस्तों, बहुत ईजी है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज करने के बाद कुछ इस तरह का मैं इसको रख दे रहा हूँ फ़ोटो को, मॉडल को। आपको कुछ इसी तरह का ही करना है, जैसे कि मैं इसको कुछ थोड़ा मतलब छोटा या बड़ा करके रख दे रहा हूँ, आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह की कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसको यहाँ पर इरेज के बगल में एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका मॉडल जो होगा वो डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद दोस्तों इसको कुछ इस तरह का कर देना, जैसे कि ऊपर एक बिंदु है उसको मतलब पकड़ के और नीचे की तरफ खींच देना। जैसे खींचेंगे दोस्तों आपका फ़ोटो कुछ इस तरह का हो जाएगा। और होने के बाद दोस्तों इसको मतलब इसको नीचे की तरफ मतलब पैर की तरफ इसको लगा देंगे, सेटिंग कर देंगे, जैसे कि ये कोई मतलब उसका रूप मतलब छाया की तरह लगेगा। और इसको सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको इरेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे दोस्तों आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको स्लो करके मतलब कम करके आपको नीचे से इस तरह प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों आपको सिंपल सा राइट कर देना है, आप देख सकते हैं फ़ोटो कितना मतलब ओसम लग रहा है। उसके बाद दोस्तों इसको राइट कर देना है। राइट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत ईजी, आपको ऐड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक फ़ोटो मिल जाएगा हैप्पी दिवाली का, आपको उसको ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ हैप्पी दिवाली का एक इफ़ेक्ट है, उसको ले लेंगे और ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद दोस्तों इसको कुछ इस तरह के इसको ब्लेंड करेंगे दोस्तों, इसको ब्लेंड के ऑप्शन में जाके इसको स्क्रीन कर देंगे, या फिर आप देख सकते हैं स्क्रीन करने के बाद इसको कुछ ऊपर या नीचे आपको जहाँ भी अच्छा लगे
वहाँ आप इसको रख सकते हैं। मैं अपने मॉडल के अनुसार मतलब अपने फ़ोटो के अनुसार यहाँ पर रख दे रहा हूँ। काफ़ी कुछ ओसम लग रहा है दोस्तों। अब तो आपको क्या करना है, इसको राइट कर देना है। राइट करने के बाद फिर से ऐड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक इफ़ेक्ट मिलेगा मतलब लाइट का, जैसे कि मैं आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। यहाँ पर एक लाइट का ऑप्शन मतलब इफ़ेक्ट मिलेगा, बैकग्राउंड मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। उसको ले लेना है, आप देख सकते हो। और लेने के बाद दोस्तों आपको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद और इसको थोड़ा सा फुल साइज़ कर देना है। फुल साइज़ करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का लगा देना है ऊपर। ऊपर लगाने के बाद इसको ब्लेंड के ऑप्शन पर जाके दोस्तों इसको आप देख सकते हो। तो इसको क्या करना है कि इसको स्क्रीन नहीं करना है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ जम नहीं रहा। तो इसको देखते हैं मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई पे भी नहीं हो रहा है, डार्केन लाइटेन। इसको बाद दोस्तों ऐड कर देंगे, इसको ऐड पर ही रहने देंगे। कुछ काफ़ी ओसम लग रहा है। और इसको क्या करेंगे, इरेज के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ लाइनिंग टाइप कुछ लग रहा है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज करने के बाद दोस्तों आपको राइट कर देना है। और राइट करने के साथ साथ दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। इसको मैं राइट कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। जैसे सेव करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं यह फ़ोटो गैलरी में चला जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो मेरा फ़ोटो कितना ओसम लग रहा है, कि आप देख सकते हो कितना ओसम लग रहा है। कि दोस्तों अगर आपको इसी तरह का फ़ोटो एडिट कराना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, बेल आइकन भी बटा दो, ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपकी यूट्यूब पर चला जाए दोस्तों, आप आसानी से देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।